एक स्पर्श रेखा तथा जीवा द्वारा बनाए गए कोण। माना एक वृत्त का केंद्र ओ है तथा ए बी इस वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है। बिंदु पी से वृत्त की जीवा पी क्यू खींचिए। दीर्घचाप पी क्यू में एक बिंदु आर लीजिए। दीर्घचाप पी आर क्यू जीवा पी क्यू द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का एकांतर वृत्तखंड कहलाता है। आकृति में कोण क्यू पी बी बराबर एक्स अंश जो कि चित्र में दिया है, हो तो कोण ओ पी क्यू बराबर 90 अंश ऋण एक्स अंश होगा, क्योंकि कोण ओ पी क्यू और कोण क्यू पी बी जो कि एक्स है, ये दोनों एक पूरक कोण है, और पूरक कोण है तो हमने ओ पी क्यू को 90 अंश ऋण एक्स अंश लिखा। अब क्योंकि ओ पी और ओ क्यू त्रिज्या है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि कोण ओ पी क्यू बराबर कोण ओ क्यू पी बराबर 90 अंश ऋण एक्स अंश, क्योंकि हमारा त्रिभुज ओ पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चूँकि ओ पी भुजा ओ क्यू जो है, ओ पी और ओ क्यू त्रिज्या है, एक ही समान वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, इसीलिए हमने ओ पी और ओ क्यू को ओ क्यू बराबर है, और इसीलिए त्रिभुज ओ पी क्यू हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हम त्रिभुज पी ओ क्यू में देखते हैं। हमारे पास है सबसे पहले पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू जो कि केंद्र पर बनने वाला कोण है, और उसमें क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश ऋण, हमारा जो पहला जो कोण है जो कि हमारा कोण है ओ पी क्यू, उसके स्थान उसका मान जो है 90 कोण, अपन कोष्टक में लिखेंगे 90 अंश ऋण एक्स अंश, कोष्टक बंद। और उसी तरह से दूसरा कोण का जो कोण ओ क्यू पी वह भी समान 90 अंश ऋण एक्स अंश का है, तो हम लिखेंगे 90 अंश ऋण एक्स अंश, पुनः लिखेंगे कोष्टक बंद, और ये आपका बड़ा कोष्टक बंद बराबर 180 अंश, 180 अंश ऋण कोष्टक खोलने पर, छोटा कोष्टक खोलने पर हमें प्राप्त होगा बड़ा कोष्टक 90 धन 90 180 अंश, और ऋण एक्स अंश, और ऋण एक्स अंश जो है ऋण 2 एक्स अंश हो जाएगा, बड़ा कोष्टक बंद बराबर। जब बड़ा कोष्टक को हम खोलेंगे तो 180 अंश ऋण 180 अंश शून्य हो जाएगा, और ऋण को ऋण एक्स अंश से गुणा करेंगे तो धन 2 एक्स अंश हमें प्राप्त होगा। अब वृत्त पर बना कोण केंद्र में बने कोण से आधा होता है, तो हमारे पास जो है कोण पी, हमारे पास है कोण पी आर क्यू बराबर कोण जो पी आर क्यू है वह वृत्त पर बनने वाला कोण है, तो इसका मान जो है केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 कोण पी ओ क्यू। यहाँ पे हम देखते हैं कि कोण पी ओ क्यू वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण है जो दुगना होता है वृत्त पे बनने वाले कोण से, क्योंकि हम इसे बराबर लिख रहे हैं, इसीलिए केंद्र पर बनने वाले कोण को हम 1/2 से गुणा कर दिए बराबर 1/2। हम जानते हैं कि पी ओ क्यू का मान हमने अभी पी कोण पी ओ क्यू का मान हमने 2 एक्स अंश
ज्ञात किया। तो एक बटा दो गुणित कोण पी ओ क्यू के स्थान पर हम दो एक्स अंश लिख लेंगे। अंश और हर से दो को जब हम काटेंगे तो हमें एक्स अंश प्राप्त होगा। इस तरह से हमने ज्ञात किया कि कोण पी आर क्यू का मान एक्स अंश है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा के साथ उनके स्पर्श बिंदु पर बना कोण उस जीवा द्वारा एकांतर वृत्ताखंड में बने कोण के बराबर होता है। यह भी एक प्रमेय है जिसका उपयोग वृत्त की स्पर्श रेखा खींचने में करते हैं जब वृत्त के केंद्र का पता ना हो।